हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सच में यही तो माँ है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। परी बाजार में एक महिला अपने बच्चे को चिल्लाकर चीखते हुए ले जा रही थी। बच्चा चंचलता के कारण बार बार कहीं भी ठहरता। महिला बच्चे के ऊपर चिल्ला रही थी, ना चाहते हुए भी महिला और बच्चे के ऊपर सबकी नज़र जा टिकी थी। पास की सीट पर बैठी मेरी पत्नी मुझसे बोली, देखो तो कैसी महिला है, अपने बच्चे को कैसे चिल्ला रही है। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी। अषाढ़ के शरीर को बेहाल करने वाली धूप की चुहन और दोपहर की लगभग 2 बजे का वक्त, जो एयर कंडीशनर गाड़ी में भी अपने रूप का एहसास करा रही थी। तभी मेरे 8 साल के बेटे भोलू ने आइसक्रीम खाने की जिद पकड़ी थी। हम सड़क के किनारे पार्किंग में अपनी कार में सवार थे। कंक्रीट से बनी सड़क के दूसरी ओर आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खरीदनी थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। साथ ही हिदायत भी दी कि कार में किसी चीज़ को छूना नहीं, गर्मी बहुत है, एसी चालू छोड़कर जा रहा हूँ। खिड़कियों के कांच बंद रखना। गाड़ी का गेट खोलते ही बाहर के गर्म थपेड़ों से मौसम के तीखे तेवर का पता चल गया। पलट कर कार में रखी सफ़ेद रंग की तौलिया उठाई और धूप की चोट से बचने उसे अपने सिर पर लपेटने लगा। अब पता चला कि बाहर का टेम्परेचर लगभग 43 से 44 रहा होगा। पीछे पलट कर देखा तो बच्चा अपनी मस्ती में था और महिला अब भी जल्ला कर जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। बच्चे की आइसक्रीम खाने की जिद पूरी करने के लिए मैं चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि एक ठोकर लगी और मेरे एक पैर की चप्पल टूटकर बाहर निकल गई। इधर जैसे ही पांव जमीन पर पड़ा, ऐसा एहसास हुआ कि मानो किसी ने जलते हुए तवे पर मेरा पांव रख दिया हो। तुरंत टूटी हुई चप्पल में अपना पैर वापस डाल दिया, लेकिन तभी जैसे कि मेरा तंद्रा सी भंग हुई, दिमाग में एक चित्र घूम गया। अटखेलियाँ करता हुआ बच्चा अपने पैरों के आकार से अधिक बड़ी चप्पल पहने हुए है। क्या मैंने पलटकर फिर देखा, बच्चे के नन्हे नन्हे पैरों में तो चप्पल थी, किंतु महिला के पैरों से चप्पल गायब थी। इसी उधेड़ बुन में फिर से जैसे ही पैर जमीन को छुआ तो जन जन आ गया। टूटी चप्पल को हाथों में लेकर एक दो कदम आगे चलने का प्रयास किया, लेकिन कंक्रीट की सड़क तो मानो भट्टी में तब्दील हो गई थी। सड़क पार करने की कोशिश तो बहुत कर रहा था, क्योंकि मेरा बच्चा आइसक्रीम खाने की जिद पर अड़ा था, लेकिन 4 कदम चलने के बाद हौसला टूट गया। हाथ में पकड़ रखी टूटी चप्पल में मैंने फिर से पैर फंसाया और लंगड़ाते हुए गाड़ी में लौट आया। बच्चा बोला, पापा आइसक्रीम कहाँ है। पत्नी बोली, क्या हुआ। मैंने कहा, सॉरी बेटा, मेरी चप्पल टूट गई और सड़क इतनी गर्म है कि मैं आइसक्रीम नहीं ला सका। प्रॉमिस करता हूँ शाम को आइसक्रीम ज़रूर खिलाऊँगा। पत्नी मेरी ओर देखे जा रही थी। मेरे मुँह से निकला वो महिला नहीं थी, एक माँ थी। पत्नी कुछ समझ पाती उससे पहले मैंने गाड़ी का गेट खोल दिया और कहा, वो जो बच्चे के साथ जा रही है, जिसे हम कह रहे थे कैसी महिला है, दरअसल वो माँ है। पत्नी बोली, मतलब
मैंने कहा जरा उसके पैर देखो। पत्नी की नज़र जैसे ही उसके पैरों पर पड़ी उसके मुंह से निकला, हे राम, इस आग लगा देने वाली गर्मी में उब सच में यही माँ है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को पहुँचते हुए हम दोनों बस उसे देखे जा रहे थे।